अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू परदेसी देसी फैमिली। आज हम आपको बताते हैं कि रूफिंग या शिंगलिंग कनाडा में किसे कहते हैं और ये कैसे होती है। शिंगल असल में हमारी छतों की सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो अगर ख़राब हो जाए तो पानी से अंदर की तरफ लेयर को ख़राब कर देता है, जो कि एक घर की छत के लिए बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर होता है। कुछ यही हाल हमारे घर की छत के साथ हुआ है, जो कि इंतहाई ख़राब हो गई है। जो कि जैसे कि आप रिप एंड टियर देख रहे हैं, और ये छत तकरीबन 20 साल पुरानी है, लिहाजा अब इसके रिपेयर का टाइम आ गया है। लेकिन सिर्फ रिपेयर से ही इस छत ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इसको रिप्लेस ही करना होगा। तो हमने ये फैसला किया है कि हम शिंगल पूरी की पूरी शिंगल चेंज कर दें। इसके लिए हमने कुछ रूफर से कोट लिए और उन्होंने हमें शिंगल्स के ब्रांड्स, कलर्स और प्राइसेस भी बताए। ज़्यादातर यहाँ पर घरों की छतों पर एशफाल शिंगल यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ भी होता है और ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। शिंगल्स यहाँ के रूफ को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती हैं और बारिश के पानी और बर्फ़ से होने वाले नुकसान से छतों को बचाती हैं। ये देखें, एक रूफिंग कंपनी ने हमें शिंगल का कलर चूज़ करने के लिए अपना ब्रोशर दिया है। हमने अपने शिंगल के लिए एटलांटिक ब्लू कलर चूज़ किया। शिंगलिंग एक नहायत महंगा काम है। हमने पहले कई रिनोट कंपनी से एस्टिमेट ले लिया, फिर एक रीज़नेबल कंपनी से रीज़नेबल प्राइस पर डन कर लिया। Look, there's a truck parked in front of our house. I wonder what that's for. The weather is so beautiful, but now it's in our driveway. Let's see what it has in store for us. I wonder what's in the bags. What? Now they have a giant robotic arm! Ah! Hey, what's that in the distance? That's the floor. Why are they trying to get on my roof? This is so interesting to watch. They look so professional. That looks so heavy that it's even wiggling. Wait a minute. Mama, are we getting new shingles? जी बेटा, हमने टिम्बर लाइन शिंगल्स बाय किए हैं और हमने अपनी रूफिंग करवानी है। Ah!
अच्छा तो ये रेड ट्रक लोराज डिस्पोजल है, मतलब जो एक्स्ट्रा शिंगल्स हैं इधर जाएंगी। देखें ये और शिंगल्स लेकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारे सर के ऊपर गिर जाएगा। देखिए अभी इसे काम शुरू कर दिया है। अब लोराज डिस्पोजल पार्क हो रहा है। इसमें पुराने शिंगल्स डिस्पोज होंगे। देखिए मैकेनिकल आर्म इतना पावरफुल होता है। रूफ का क्या हाल है? ओके आई एम गोइंग अप। अगली वीडियो में देखते हैं ये क्या दिखाएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करो।